नमस्कार दोस्तों, आज हम उड़ीसा के एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल कपिलाश की यात्रा करने जा रहे हैं। यह जंगल और बड़े पेड़ों से घिरे ढेंकनाल जिले के गोंदिया ब्लॉक के पहाड़ की चोटी पर स्थित है। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। कपिलाश मंदिर, जिसे महादेव चंद्रशेखर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, ओडिशा के ढेंकनाल शहर से 26 किमी दूर स्थित है। यह मंदिर समुद्र तल से लगभग 20-39 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। मंदिर की मुख्य मीनार 60 फीट ऊंची है। मंदिर के दो रास्ते हैं, एक है 1352 सीढ़ियां चढ़ना और दूसरा बाराबंकी से होते हुए या घुमावदार रास्ते से यात्रा करना। वंश के राजा नरसिंह देव प्रथम ने 1246 में श्री चंद्रशेखर के लिए मंदिर का निर्माण कराया था। मंदिर के बाईं ओर पयामृत कुंड और दाईं ओर मारीची कुंड मौजूद है। मंदिर में एक लकड़ी का जगमोहन है। मंदिर में श्री गणेश, कार्तिकेय, गंगा देवी आदि पाए जाते हैं। पतित पवन जगन्नाथ को मंदिर में परसा देव के रूप में स्थापित किया गया है। भगवान विश्वनाथ मंदिर भी कपिलाश में स्थित है। कुछ विद्वानों के अनुसार यह मंदिर चंद्रशेखर मंदिर से भी पुराना है। कपिलाश पीठ और इसके महत्व के बारे में कई किंवदंतियां हैं। लोगों की कपिलाश महादेव में गहरी आस्था है और उनका मानना है कि वह हर उस मनोकामना को पूरा करते हैं। शिवरात्रि प्रमुख त्योहार है और प्रत्येक सोमवार को शुभ माना जाता है। नमः शिवाय। शिवरात्रि के लिए मंदिर को भी तरह तरह के रंग बिरंगे फूलों से सजाया जाता है। दर्शन के लिए लाखों की संख्या में लोग कतार में लग जाते। इस अवसर के दौरान 16 उपाचार पूजा और महारुद्राभिषेक के साथ जटिल अनुष्ठानों के अनुसार की जाती है। पूजा के दौरान पारंपरिक शंख और तुरी को बजाया जाता है। कपिलाश की पूरी पहाड़ी श्रृंखला रोशन हो जाती है, क्योंकि भक्त भगवान का आशीर्वाद पाने के लिए अनगिनत मिट्टी के दीपक जलाकर तपस्या करते हैं। पुजारी भगवान को उनकी लौकिक नींद से जगाते और उन्हें नागवरण वेशा से अलंकृत करते हैं। इसके अलावा कपिलाश पहाड़ी श्रृंखला सीता माता के अंतदिशाला के लिए केंदुपनिया गुफा और देव सभा के लिए भी प्रसिद्ध है। भगवान नारायण की मूर्ति के दाहिने पैर से एक बारहमासी जलधारा बहता हुआ प्रतीत होता है। मंदिर जाने का सबसे अच्छा सर्दी का मौसम अक्टूबर से मार्च है। इस समय के दौरान तापमान सबसे उपयुक्त है। लाखों कांवड़िया सावन के सोमवार को यहां शिवजी का जलाभिषेक करने आते हैं। यहां पर हर दिन 11 बजे से 2 बजे तक आपको शिवजी का प्रसाद मिलेगा। कपिलाश के नीचे एक बहुत ही खूबसूरत डियर पार्क है, जहां पे आपको चित्तीदार हिरण, सांभर, मगरमच्छ, हाथी आदि के साथ कई तरह के पक्षी भी देखने को मिलेंगे। इसके अलावा एक साइंस पार्क है, यहां कई तरह के विज्ञान प्रोजेक्ट भी देखने के लिए मिलेंगे। कपिलाश सबसे लोकप्रिय पिकनिक स्पॉट के लिए जाना जाता है। क्रिसमस और नए साल के दौरान आप कई समूहों को पिकनिक करते हुए देख सकते हैं। पूरे उड़ीसा, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और अन्य हिस्सों से पर्यटक कपिलाश घूमने और पिकनिक मनाने आते हैं। इसलिए आप अपने परिवार के साथ कपिलाश आएं और जंगल, पहाड़ की प्राकृतिक सुंदरता का आनंद लें। हिरण पार्क और विज्ञान पार्क का भी आनंद लें। यदि आप दिसंबर और जनवरी में आते हैं तो एक शानदार पिकनिक का आनंद लेना न भूलें। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर से यह लोकप्रिय पर्यटन स्थल केवल 2 घंटे की यात्रा यानी सड़क मार्ग से 85 किलोमीटर दूर है। अन्य
वीडियो देखने के लिए कृपया हमारे रॉयल एनएक्सटी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।